इस वजह से सलमान खान ने अक्षय कुमार को किया फोन। दांव पर लगे हुए हैं दोनों स्टार्स के करोड़ों रुपए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, रोहित शेट्टी ने इस बार बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार पर बड़ा दांव लगाया है। रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में होंगे। यह फिल्म 2020 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। चौंकाने वाली बात यह रही कि ईद के मौके पर ज्यादातर सलमान खान की फिल्में रिलीज होती हैं। साल 2020 में ईद के मौके पर सलमान और आलिया भट्ट की फिल्म इंशाल्लाह रिलीज होने वाली है। लेकिन जब इस बात को सोलो रिलीज होने का मौका सलमान खान को मिलता नहीं दिखता, तो सलमान ने अक्षय कुमार को फोन मिलाया। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के लिए साल 2020 बहुत ही खास है, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब ईद के मौके पर उनकी कोई फिल्म रिलीज होगी। अक्षय कुमार के साथ साथ फिल्म सूर्यवंशी में कटरीना कैफ मुख्य भूमिका में होंगी। मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान ने फोन पर अक्षय कुमार से कहा कि हम दोनों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्लैश ना हों। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ही बड़े सुपरस्टार हैं। ऐसे में कोई भी एक साथ फिल्म रिलीज करने का बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। अब देखना होगा कि अक्षय कुमार सलमान खान की बात मानते हैं या नहीं। अक्षय और सलमान में अच्छी दोस्ती है। इससे पहले खबर आई थी कि अक्षय कुमार ने सलमान खान को फोन किया था और उनसे ईद पर रिलीज की डेट मांगी थी, लेकिन इंटरव्यू में अक्षय ने इन बातों को गलत बताया। अक्षय ने कहा था कि ये फिल्म इंडस्ट्री की किसी एक की नहीं सबकी है, और फिल्म इंडस्ट्री में बने रहना हर किसी के लिए आवश्यक है। सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म दबंग 3 की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। वहीं जल्द ही अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज रिलीज होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और हमारे उस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।